और अब खबरें विस्तार से। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बड़ी डिग्री, ऊंचा रसूख, देश विदेश की सैर और भरा पूरा परिवार छोड़कर गरीबों, मजलूमों और दबे कुचले लोगों के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं। इस दौर में तो बिल्कुल नहीं, जब इंसान इंसान के काम नहीं आता। ऐसे में एक शख्सियत है जो अमीरी और गरीबी की फर्क को खत्म करने का बीड़ा उठाकर गुमनामी की ऐसी राह चल पड़ा है जहां उसका मकसद जरूरतमंदों को समाज की मुख्य धारा में लाना है। पूर्व आईआईटी प्रोफेसर की जिंदा दिली, आदिवासियों की सेवा के लिए ठुकरा दिया आईआईटी अमेरिका, रघुराम राजन के गुरु से मिलिए। उलझे हुए बढ़े बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, हाथ में एक झोला और पैरों में टायर की बनी चप्पल, लेकिन इनका परिचय देंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये आईआईटी दिल्ली के एक प्रोफेसर आलोक सागर हैं, जो गरीब आदिवासियों को जिंदगी बदलने का तरीका सिखाने उनके बीच अपनी पहचान छुपा कर रह रहे हैं। हैरानी होगी आपको ये जानकर कि आलोक आरबीआई गवर्नर रहे रघुराम राजन समेत कई जानी मानी हस्तियों को पढ़ा चुके हैं। 1990 से यहाँ पर हूँ। पहले इस इलाके में कुछ संगठन का काम चल रहा था, उनके साथ में जुड़ा हुआ था, तो धीरे धीरे उस संगठन के काम के जरिए यहाँ परिचय हुआ। जो लोगों की सामूहिक कोई समस्याएं या ज़रूरतें उसको मिलके समाधान करने के लिए कार्यक्रम करना, इस किस्म का काम था। आलोक सागर ने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका की मशहूर ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई की, लेकिन आज वो मध्य प्रदेश के छोटे से गाँव में आदिवासी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके बारे में इतना जानना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अपने बारे में उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। हाल ही में उनका नाम खबरों में तब आया जब इंटेलिजेंस ने उनसे संदिग्ध समझकर अपनी पहचान बताने को कहा। बस फिर क्या था, उनकी हाई एजुकेशन और लाइफस्टाइल को देखकर तो इंटेलिजेंस के लोग भी हैरान हैं। समस्याएं किसी भी रूप में हो सकती हैं, उसका कोई विशेष किस्म की समस्या जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसे थी, जैसे वन विभाग के लोग गाँववासियों को बहुत परेशान करते थे, या कभी बहुत सारे लोगों ने काम किया और मजदूरी समय पर नहीं मिली, इस किस्म की समस्याएं। उस समय लोग काफ़ी लोग कई गाँव के काफ़ी लोग संगठन में जुड़े और काफ़ी मतलब कार्यक्रम हुए। आलोक मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर आदिवासी गाँव कोचामो में पिछले 26 साल से रह रहे हैं और गाँव में झोंपड़ी बनाकर रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। श्रमिक आदिवासी संगठन से जुड़कर आलोक सागर आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। आलोक सागर ने 1990 में अपनी तमाम डिग्रियां संदूक में बंद कर रख दी थी। बैतूल जिले में वे सालों से आदिवासियों के साथ सादगी भरा जीवन बिता रहे हैं। वे आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। इसके अलावा गाँव में फलदार पौधे लगाते हैं। उन्होंने खुद अपनी नर्सरी तैयार की है, जिसमें छायादार और फलदार पौधे तैयार करते हैं। इलाके में अब तक आलोक सागर हजारों पेड़ लगा चुके हैं। गांव वाले भी उनके समर्पण के कायल हैं। आलोक सागर से प्रेरणा लेकर तमाम आदिवासियों ने ये ठान लिए कि अब वो हरे पेड़ पर कभी भी कुल्हाड़ी नहीं चलाएंगे। हमारे गांव से मतलब कोई लड़के बच्चे कहीं बाहर पढ़ने नहीं जाते थे, तो गाँव में आलोक जी के साथ सभी विचार करके गाँव में एक ही था पढ़ा लिखा, उसको मतलब गांव वाले सभी चंदा करके यहाँ घर में स्कूल खुलवा के, और इसके बाद यहाँ से 3 किलोमीटर धारण में हम लोग जाने लगा। थोड़ा घर में अच्छा है, कुछ भी काम तो उसने घर भी देखता, खेत भी उन्हें देखता, हम नहीं जाता फिर भी उस खेत का रखवाली जैसा। कभी ऐसा लगता कि अपना ही घर का आदमी जैसा लगता। अच्छा, कि हमारा ही घर का आदमी है। हम कहीं भी कि उसको बोल देते कि खेत में तुम रखवाली कर देख देना, हम नहीं आऊंगा करके बोल दे। आलोक सागर ने 1971 में आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया, 1973 में एमटेक, 1977 में अमेरिका से पीएचडी, 1978-79 में पोस्ट ऑफ फेलोशिप और कनाडा से पोस्ट फेलोशिप किया। 1980-81 में CSIR में फेलोशिप कर चुके आलोक को दिल्ली आईआईटी में पढ़ाने का मौका मिला।
लेकिन कुछ सालों बाद ही उनका मन इससे ऊब गया। वो देश में गरीबों, मजलूमों और जरूरतमंदों के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके लिए वो 10 साल तक पूरे देश में भटकते रहे और आखिरकार इस गांव में आकर उनकी तलाश पूरी हुई, जहां वो एक श्रमिक संगठन से जुड़कर आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। तमाम गांव के लोग उन्हें अपने परिवार का मुखिया मानते हैं। शिक्षा की अलख जगाने वाले आलोक ने गांव में बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया तो अनपढ़ बच्चे शिक्षा के मुख्य धारा में शामिल हो गए और अब अपने पैरों पर खड़े हैं। अगर गांव की कोई समस्या है तो वो सभी के साथ मिलकर चर्चा करते हैं और चंद पलों में ही बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं। आलोक व्यक्ति विशेष को महिमा मंडित करने के खिलाफ है, इसीलिए वो खुद को छिपा कर रखना चाहते हैं। दिल्ली के पटपड़गंज में आज भी आलोक का परिवार रहता है। आलोक के पिता IRS अफसर थे, माँ दिल्ली के मिरांडा हाउस में फिजिक्स की टीचर रह चुकी हैं, उनके भाई IIT दिल्ली में प्रोफेसर हैं। सोच यही कि इंसानों के बीच में गैर बराबरी खत्म करने के लिए खत्म करने में अपना समय लगाना है और साथ साथ जिंदगी भी उसी के समरस जिंदगी भी जीनी है और गैर बराबरी खत्म करने के लिए साथ साथ काम करना है। हैरानी की बात है कि पढ़े लिखे कुनबे का ये सदस्य आज आदिवासियों को जल जंगल जमीन से जोड़ रहा है। आज के दौर में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर दूसरों के लिए जीते हैं। आलोक सागर से उन लोगों को सीखने की जरूरत है जो अपना घर, अपने परिवार का राग ही अलापते रहते हैं। इरशाद हिंदुस्तानी, इंडिया 24/7, बैतूल।